दोस्तों आज हम देखने वाले इश्क मुर्शिद के नए एपिसोड का टीज़र, एपिसोड 23 का ये टीज़र प्रोमो होगा। भाई लास्ट एपिसोड हमने देखा, थोड़ा इमोशनल हुए, थोड़ा सा अजीब सा मिक्स फीलिंग थी यार। बेसिकली क्या ही कह सकते हैं, मतलब हम अपने मुस्करा भी रहे थे, थोड़ा सा रोने का मूड भी हो गया था हमारा, और थोड़ा स्माइल भी कर रहे थे, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं हम डाउन भी हो गए थे उस। आपने अगर वो एपिसोड देखा है तो आपको समझ आ गया होगा, नहीं देखा तो आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। शुरू करते फिलहाल प्रोमो, हियर वी गो। तू जान ले इश्क मुर्शिद जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। जरा ये भी बता दो तुम जवाब में क्या कहते थे? कि मासूम लोग अभी भी जिंदा हैं। आज भी इसी एतमाद के साथ अपने लिए बात कह सकते हो? हाँ, क्योंकि वो बात अपने लिए नहीं कही थी, तुम्हारे लिए कही थी। ओ, क्या बात भाई साहब। दाऊद अली खान मजबूर हूं मैं, मगर अभी यारा नहीं हूं। जो तू कहे। छोटा था प्रोमो पर भाई, मैं समझ गया अगला एपिसोड क्या होने वाला है। फुल ऑफ इमोशंस के साथ ये क्रिकेट खेलने वाले हैं अपने अपनी बॉल को इधर से उधर फेंकने वाले अगले एपिसोड में। बाउंड्री के बाहर कौन सी बॉल की ये वाली ये वाली बॉल को, मतलब दिल को अपने ये दिल को बॉल बना के दिल को बॉल बना के खेलने वाले हैं। इसके डायरेक्टर जो भी है, उन्होंने राइटर ने बहुत तगड़ी स्क्रिप्ट लिखी अगले एपिसोड की। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगला एपिसोड भरा होने वाला है इमोशंस के साथ, बहुत ज़्यादा इमोशंस निकल के आने वाले हैं। और क्योंकि हम लोग कनेक्टेड इस शो से शुरू से अभी तक, तो हम जानते हैं शिवराय का इमोशन, हम जानते हैं शिवराय के फादर का इमोशन, और हम जानते हैं हमारे फजल बख्श का इमोशन, जो कि अब फाइनली शामिर सिकंदर हो चुका है। अब फजल बख्श बोलने की ज़रूरत नहीं है उन्हें, लेकिन अब जब शामिर सिकंदर की बारी आएगी और जब वो सच बोलना शुरू करेगा, तो वो सच में क्या क्या निकलने वाला है, उससे वो इमोशनल कितनी होने वाली है, वो चीज़ें बहुत। बट यार दाऊद अली खान के साथ क्या पंगा होने वाला है वो समझ में नहीं आ रहा है। जो मुझे लगता है शिवरा उसके फादर को सब कुछ बताने वाली है कि ये फजल बख्श जो है वो शामिर है, और शायद इमोशंस में बह के ही बोलेगी पापा आप मेरे लिए अच्छा ही सोच रहे थे और मैंने ही गलत डिसीजन ले लिया प्यार करके, ऐसा कुछ बात होगी उसके पापा से, और फिर उसका पापा जो है वो जाएगा दाऊद अली खान के पास। आई डोंट नो यार, बट जो भी है देखना चाहूँगा। जो भी हो, बाकी अभी मनाना ही चलने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, और मेरे को लगता है उसके नेक्स्ट एपिसोड में सब कुछ हैप्पी हो जाएगा। तो क्या नेक्स्ट वाला सेकंड लास्ट और उसके बाद लास्ट एपिसोड होगा? हाँ। अभी 23 का प्रोमो आ रहा है, फिर 24। नहीं 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 नहीं, इतनी जल्दी तो नहीं होगा यार, लास्ट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब ये स्टोरी होगी कि शामिर अपनी पार्टी को कैसे बचाता है, उस क्योंकि अब वो उससे भी तो लड़ना है, और इससे शादी कैसी होती है, तो इसका भी तो बिल्डअप होगा। तो एक दो एपिसोड में तो माफ़ी प्यार, प्यार तो है ही, तो प्यार से अब वो माफ़ी की तरफ कैसे जाता है, एंड देन वो उसको कैसे मिल सकती है, एंड देन वो अपनी पार्टी को कैसे बनाता है, क्योंकि वो उससे भी वादा कर चुका है। प्राइम मिनिस्टर बनते हुए इसमें दिखाना चाहिए इसको एंड एपिसोड तक, मुझे लगता है एंड एपिसोड में प्राइम मिनिस्टर की शपथ लेते हुए दिखा दे, मतलब क्या होते हैं ओथ लेते हुए दिखा देना, तो भाई वो एपिसोड ही सुपर डुपर हिट हो जाएगा। हाँ, वो दिखाना चाहिए यार, और एक अच्छे मैसेज के साथ इसको एंड करना चाहिए। मतलब ये दोनों तो मिल ही जाना चाहिए, लेकिन एक जो इसमें जो चीज़ें दिखाई सोशल मैसेजिंग इसमें चली रही है शुरू से ही हम देख रहे हैं, वो सोशल मैसेज तो एक अच्छा सोशल मैसेज देके इसका एंड करना चाहिए मुझे लगता है। उधर ऐसा ना हो कि उधर पाकिस्तान में जो असल में भी प्राइम मिनिस्टर जो बनने वाले जो भी है वो उधर ओथ ले रहे हो, इधर इसमें भी ओथ ले रहे हो, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा ना पाकिस्तान में कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर। नहीं चल रहा है उधर तो भाई, बाकी ये ड्रामा सही चल रहा है उधर क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन ये ड्रामा सही चल रहा है जबरदस्त भाई। आप बताना दोस्तों आपको कैसा लगा आज का रिएक्शन, चलेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। चल देन मेक लव नॉट वॉर, और फेसबुक पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ फेसबुक पेज को फॉलो करके इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें।